क्रिकेट जो है वो अनिश्चितताओं का गेम है, कोई भी बॉल कहाँ आ जाए कुछ पता नहीं रहता। और ऐसा ही कुछ हुआ पृथ्वी शॉ के साथ दिल्ली और पंजाब किंग्स के बीच हो रहे मुकाबले के अंदर। पृथ्वी शॉ बैटिंग पर थे और राइली मेरेडिथ बॉलिंग एंड पर। उन्होंने एक 142 किलोमीटर पर आर की बॉल कराई जो सीधा पृथ्वी शॉ के मेन पॉइंट पर हिट कर गई। जैसे ही ये बॉल लगी पृथ्वी शॉ वहीं की वहीं बैठ गए और कई देर तक उठ भी नहीं पाए। हाँ, साफ पता चलता है, अगर आप लड़के हैं तो आपको पता ही होगा कि कितना दर्द होता है अगर कोई चीज़ ज़्यादा ज़ोर से मेन पॉइंट पर लग भी जाती है तो। यहाँ तो 142 किलोमीटर प्रति घंटे की बॉल लगी थी। इसके बाद वहाँ मोहम्मद शमी आ जाते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें कितनी चोट लगी है। वहीं दूसरी ओर राइली मेरेडिथ जो कि बॉलर होते हैं वो हंसते हुए अपने टीम एंड के पास चले जाते हैं और वहाँ खड़े होकर पानी और ड्रिंक्स पीने लग जाते हैं। लेकिन तभी फिजियो आता है और पृथ्वी शॉ से बोलता है कि तुम्हें चेक करना चाहिए, तुम्हें ज़्यादा तो नहीं लग गई। इसके बाद पृथ्वी शॉ अपने पैड्स और गार्ड्स ठीक करने के लिए अपने पजामे को खोल लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, हालांकि वो पूरी तरीके से नहीं खोलते, वो बैठे बैठे उसे खोलते हैं, लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर ऐसा पता चलता है कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है और आगे चल के उन्हें कुछ दिक्कत भी हो सकती है। अब गार्ड्स अगर नहीं पहने होंगे तो दिक्कत होगी, लेकिन क्रिकेट के अंदर हमेशा एक खिलाड़ी अपने गार्ड्स का ध्यान रखता है। दूसरी ओर सभी लोग राइली मेरेडिथ की स्पोर्ट्समैनशिप पर सवाल उठाने लगे। यहाँ पर उन्होंने बॉल कराने के बाद एक बैट्समैन से पूछा भी नहीं कि तुम्हें ज़्यादा कहीं चोट तो नहीं आ गई। हमेशा एक स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते हुए मोहम्मद शमी आ गया और उन्होंने उनको हेलमेट उतारने के लिए कहा और खुद अपने हाथों से उनका हेलमेट उतारा ताकि वो आसानी से सांस ले सके। ऐसे मौके पर बॉलर ही सबसे करीब होता है बैट्समैन के और वही उसकी मदद कर सकता है। बहरहाल आपका क्या कहना है इस बारे में, हमें कमेंट करके अपनी राय बताएं। सब्सक्राइब करें चैनल देखो देखो को।